पूरी दुनिया में भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारे धर्मों का वास है, अर्थात भारत में अलग अलग धर्म को मनाने और पूजने वाले लोग यहां रहते हैं। भारत एक विभिन्न संस्कृति एवं धर्मों का घर है। भारत में बहुत से धार्मिक पूजा स्थल हैं, उन्हीं में से एक बाबा अमरनाथ धाम है। अमरनाथ धाम हिंदुओं के लिए एक बहुत अहम तीर्थ स्थान है। यह स्थान कश्मीर राज्य के उत्तर पूर्व से 135 किलोमीटर दूर बाबा अमरनाथ की गुफा में स्थित है। अमरनाथ की गुफा भगवान शिव के मुख्य और प्रमुख स्थानों में से एक है। ये वही गुफा है जहां पर भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने को कहा था और अमर होने के सारे रहस्यों को पार्वती जी के सामने रख दिया था। आपको बता दें, एक बार की बात है, माता पार्वती जी शंकर जी से अमर होने की विधि को जानने के लिए जिद कर रही थीं। मुझे अमर होने की विधि के बारे में जानना है। पार्वती जी की जिद के आगे भगवान शिव जी ने अमर कथा के रहस्यों को बताने की सोच ली और इसी को बताने के लिए शिव जी माता पार्वती को समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर इसी जगह लेकर गए। इस गुफा में जब प्रवेश किया, उससे पहले भगवान शिव जी ने अपने गले में लिपटे सुशोभित सांप को और बालों में जड़े चांद को बाहर ही उतार दिया, जिससे ये अमर कथा पार्वती जी के अलावा कोई और ना सुन सके और ना ही जान सके। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी कथा थी जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। शिव जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी थी, लेकिन कहानी के बीच में ही माता पार्वती जी को नींद आ गई। इसी सब कथा और घटना के दौरान गुफा में पहले से मौजूद जो कबूतर दो बच्चों को जन्म दे चुका था, जिन्होंने अमर कथा को सुनकर अमरता को हासिल कर लिया। भगवान शिव जी को जैसे ही इस बात का पता लगा, वह अत्यधिक क्रोधित हुए और उन्हें मारने हेतु आगे बढ़े। दोनों कबूतर के बच्चे बहुत डर गए और उन्होंने शिव जी से कहा, हमने अमर कथा सुन ली है, यदि आप हमें मारते हैं तो ये कथा झूठी साबित हो जाएगी। ये सुनते ही भगवान शिव जी ने अपने अत्यधिक क्रोध को जैसे तैसे शांत किया और दोनों कबूतरों को वरदान दे डाला कि तुम दोनों इस गुफा में कई युगों तक निवास करोगे और तुम दोनों कबूतरों का जोड़ा शिव पार्वती का सूचक बन के वास करोगे। उसी दिन की घटना के बाद ये स्थान अमरनाथ धाम के नाम से प्रचलित हो गया और ये कहा जाता है कि जिन लोगों को इन दोनों कबूतरों के दर्शन होते हैं, उनको स्वयं शिव पार्वती के दर्शनों के बराबर का सौभाग्य मिलता है। जिन्हें इनका दर्शन नहीं होता है, उन लोगों की यात्रा असफल ही मानी जाती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।